चीफ सालिस ने मदद की दरख्वास्त की थी। मुलाकात में धरना पुरम तरीके से खत्म कराने पर इत्तफाक हुआ था। जाहिद हामिद अपने घर, धरने वाले अपने घर। आखिरकार वजीरे कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा आया, मंजूर हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी, मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। तहरीके लब्बैक के दर्जनों कारकुनान की रिहाई, कायदीन ने भी फैजाबाद खाली कर दिया। खादिम हुसैन रिजवी का कंटेनर्स रैली की सूरत में लाहौर रवाना हो गया। कराची में धरनों के शुरका मुंतशर होने के बाद ट्रैफिक बहाल। बोल्टन मार्केट समेत दीगर इलाकों में दुकानें खुल गईं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धरने खत्म। पंजाब असेंबली के बाहर तहरीके सिरात मुस्तकीम के कारकुनान का एहतजाज जारी। छोटे शहरों में भी सरगर्मियां बहाल। मोटरवे के तमाम सेक्शंस और जीटी रोड खोल दी गई। मंगला पुल पर भी धरना खत्म होने पर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का जमीनी रास्ता बहाल। धरने खत्म होने के बावजूद नून लीग पर खौफ के साए। नवाज शरीफ की रिहायशगाह के रास्ते बंद, सामान से लदे ट्रकों की कतारें, ड्राइवर्स का शदीद एहतजाज। राजा जफर उल हक इंक्वायरी रिपोर्ट में दो वुजरा का मुबहम अंदाज में जिक्र, एक का नाम छुपा लिया गया। बाज हिस्सों पर काली स्याही फेर दी गई, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का धरने वालों से मुआहदे पर एतराज। तहरीरी हुक्म में कहा, बादियों नजर में फौज का किरदार आईन और रियासत के कानून से तजावुज लगता है। मुआहदे में आर्मी चीफ की तारीफ का पैरा डालना गलत है। सालिसी में आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एतराज दुरुस्त था, राणा सनाउल्ला की गुफ्तगू। फौज ने नवाज शरीफ का खाना जंगी कराने का मंसूबा नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ ने इंतहाई समझदारी का सबूत दिया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का मुतालिबा। हाउस को सबसे पहले इन्फॉर्म करूं कि क्या हुआ है। यहां से सिविलियन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ दी। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है। कोर्ट नोटिस इशू कर सकता है तो आई कैन ऑल्सो इशू नोटिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाउस इज बीइंग प्रोरोग्ड टुडे, देन वी कम इनटू रेगुलर सेशन इन डिसेंबर। सो मच वाटर वुड हैव गॉन अंडर द ब्रिज दैट इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू डिस्कस इट एट दैट टाइम। वजीर दाखला अदालत जा सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं आ सकते? मैं भी नोटिस जारी कर सकता हूँ, चेयरमैन सैनेट रजा रबानी एहसन इकबाल की अदम हाजिरी पर रिमार्क देते हुए। Dharna is more violent, more aggressive, and more damaging for the federation. And each time, सवाल ये पैदा होता है कि इस धरने के पीछे कौन थे? जनाब चेयरमैन, तो मेरी गुजारिश ये है जी, आप इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि लेट अस आस्क फॉर ए जुडिशियल इंक्वायरी इन ऑल द धरनास फ्रॉम 2013, 2014, 2016, 2017। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरदुल्ला बाबर ने 2013 से अब तक के धरनों की अदालती तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। तमाम धरनों के पीछे था कौन, सब सामने आना चाहिए। सरकारी स्कूल आज भी बंद रखने का फैसला बरकरार। अमल ना करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सेक्रेटरी स्कूल्स की वार्निंग।
पाकिस्तान के सारे बड़ों की बड़े शाह से मुलाकात, वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ, DGISI की सऊदी शाह सलमान और वलीअहद से अहम मुशावरत। सऊदी वलीअहद ने दहशतगर्दी के खिलाफ तावुन मांग लिया, सऊदी शाह की पाकिस्तान की तारीफ, इलाकाई अम के लिए हिमायत जारी रखेंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, योम तासीस पर घरों पर पार्टी परचम लहराएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इम्तियाज शेख से गुफ्तगू। पसंद की शादी पर सजा, कराची मोमिनाबाद में जोड़े का कत्ल, दोनों को गला घोंट कर मारा गया, तेज धार आले से भी वार किए गए, कब्र कुशाई करके लाशों का पोस्टमार्टम। शर्जील इनाम मेमन की रीढ़ की डिस्क में पेचीदगी, न्यूरोसर्जन और न्यूरो फिजिशियन ने ऑपरेशन का मशवरा दे दिया, टेस्टों की रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची की मॉडल कॉलोनी में दो डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, दोनों की खूब धुलाई, शहरियों के सामने हाथ जोड़ते रहे मगर माफी ना मिली। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की समाअत आज होगी, जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में तीन रुकनी बेंच केस सुनेगा, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत में पेशी के लिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पंजाब हाउस में पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। तहरीक मिनाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज वापस आ रही हैं, सुबह 4:30 बजे लाहौर में उतरेंगे। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना, रबी अव्वल 24 न्यूज पर नात की रिवायत बरकरार, अपनी नात सेल्फी हमें भेजें, हम दिखाएंगे सबको। पाकिस्तानी टीम के प्रोफेसर को खुद सबक सीखना पड़ गया, हफीज को बॉलिंग सिखाने के लिए बरतानवी बायो मैकेनिक्स माहिर की खिदमात लेने का फैसला, खर्चा PCB देगा। कराची के गोशन हदीद में हिंदू पंचायत की जानिब से जश्न दिवाली, सिंध भर से हजारों अफराद की शिरकत, फनकारों की परफॉर्मेंस में नौजवानों का रक्स। अमरीकी दुख्तर अव्वल इवांका ट्रंप आज भारत के 3 रोजा दौरे पर पहुंच रही हैं, शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल।
برطانیہ میں چینی خاتون کو موبائل پر بات کرنا مہنگا پڑ گیا، ٹانگ ڈرین کے ڈھکن میں پھنس گئی، اوزار لا کر مصیبت سے نجات دلائی گئی۔ جرمنی کے کولون ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں نے فوجی طیارے کی لینڈنگ مشکل بنا دی، رن وے کو چھونے سے قبل طیارہ فضا میں رخ بدلتا رہا۔ جلد بازی میں اوورٹیکنگ کی کوشش، برطانیہ میں ڈرائیورز کی غفلت کے باعث گاڑیوں کی کلا بازیاں۔